दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है। एक बड़ी खबर है, नया आदेश लोक शिक्षण संचालन भोपाल की तरफ से मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के लिए जारी कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों पर अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग भर्तियां 2024-25 के शैक्षणिक सत्र पर 12 अगस्त 2024 तक की जानी थी, लेकिन जिप्सम पोर्टल पर रेफरेंस कोड ना आने के कारण अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग पूरे मध्य प्रदेश पर कहीं पर भी नहीं हो पाई है। इसको लेकर अतिथि शिक्षक काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए हैं। बीते 7 तारीख से यह काम होना था, लेकिन आज वीडियो बनाने तक अतिथि शिक्षकों के लिए कोई भी रेफरेंस कोड वगैरह नहीं आया। इसको लेकर DPI ने नया आदेश जारी करके तारीखों को बढ़ा दिया है। वीडियो को पूरा देखिएगा, शेयर जरूर करिएगा। आपको कंप्लीट आदेश दिखा देते हैं। फाइनली लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश गौतम नगर भोपाल से 9 तारीख को आदेश जारी कर दिया गया है। यह आदेश अतिथि शिक्षक जो परेशान थे उनकी परेशानियां कुछ हद तक दूर हो जाएंगी। अतिथि शिक्षक जिनकी ज्वाइनिंग स्कूलों पर लगातार कराने संबंधी सामना कर रहे हैं, उनकी ज्वाइनिंग को लेकर अब तारीखों को बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर आदेश में 9/8/2024 की तारीख है। प्रति में सभी संभागीय संयुक्त संचालक, जिला शिक्षा अधिकारी, सभी विकास खंड शिक्षा अधिकारी और सभी संकुल प्रचार हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल मध्य प्रदेश के लिए आदेश जारी किया गया है। शैक्षणिक सत्र 2024-25 में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में आदेश यहां पर है। साथ ही संदर्भ लिया गया है 5/8/2024, इसके पहले जो आदेश जारी हुआ, साथ ही 24/7/2024 और 4/7/2019 तीन आदेश के संदर्भ के तहत यह आदेश जारी किया गया है। इसको पूरा देखिएगा। ये आपकी परेशानी, जो आप परेशान हैं मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, उससे राहत मिलेगी। यहाँ पर आप देखेंगे उपरोक्त संदर्भित पत्र नंबर 1 और 2, यानी 5/8 वाला और 24/7/2024 वाला के अनुसार शासकीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2024-25 हेतु शैक्षणिक व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन हेतु विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक आमंत्रण की कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। उक्त तिथियों में वृद्धि करते हुए निम्नानुसार समय सारणी यहां पर जारी करके कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। समय सारणी नई आ गई है, जो तारीख 12 तारीख थी उसको बढ़ा दिया गया है। देखेंगे शैक्षणिक सत्र 2023-24 में जिन विद्यालयों में अतिथि शिक्षक को आमंत्रित किया गया है एवं पोर्टल पर रिक्त पद प्रदर्शित हो रहे हैं, ऐसे विद्यालयों में जिप्मस पोर्टल पर ज्वाइनिंग की प्रविष्टि हेतु की जाने वाली कार्यवाही। पहला पॉइंट है कि अतिथि शिक्षक द्वारा जिप्मस पोर्टल पर ज्वाइनिंग दर्ज करना और शाला प्रभारी से प्राप्त सत्यापित ज्वाइनिंग पत्रक की प्रति को पोर्टल पर अपलोड करने की तारीख अब 17/8/2024 कर दी गई है, 17 अगस्त 2024 कर दी गई है। साथ ही यहां पर आप देखेंगे कि शाला प्रभारी जिप्मस पोर्टल पर ज्वाइनिंग किए गए अतिथि शिक्षक का प्रमाणीकरण करेंगे, ऑनलाइन रूप से अप्रूव करेंगे, उसकी तारीख भी 17/8/2024 कर दी गई है। यानी जो रेफरेंस नंबर का यहां पर सबसे बड़ा पेच फंस रहा था, तो अब रेफरेंस नंबर को लेकर अतिथि शिक्षक परेशान न हो। पोर्टल पर लिंक प्रोवाइड करा दी गई थी, लेकिन रेफरेंस नंबर न निकलने के कारण, यानी अतिथि शिक्षकों के आवेदन अप्रूव न होने के कारण, यहां पर उनको रेफरेंस कोड मिला ही नहीं, जिसके कारण उनकी ज्वाइनिंग पर बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना अतिथि शिक्षक और संबंधित विद्यालय के प्रचार भी कर रहे थे। अब वह तारीख 17 कर दी गई है, यानी अब उनकी तारीख को बढ़ा दिया गया है। आगे बताया है कि शैक्षणिक सत्र 2024-25 हेतु अतिथि शिक्षक के आमंत्रण के संबंध में शेष निर्देश पूर्व में जारी संदर्भित पत्र नंबर 1 के अनुसार यथावत रहेंगे। उक्त निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। आयुक्त के द्वारा अनुमोदित आदेश है और आदेश जारी करने वाले अधिकारी KK द्विवेदी, जो कि संचालक हैं लोक शिक्षण मध्य प्रदेश के, और प्रतिलिपि के रूप में सभी तमाम बड़े अधिकारियों को सूचना दे दी गई है। साथ ही शाला के प्रभारी जो सरकारी स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत, उनकी ओर सूचना हेतु भेज दिया गया है। दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक वर्तमान में वैकेंसियां शो न होने के कारण एक ओर जहां परेशान है, वहीं दूसरी ओर जिनके ज्वाइनिंग के लेटर निकल आए थे उनके रेफरेंस नंबर को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानी थी, क्योंकि रेफरेंस नंबर के बिना उनका वेरिफिकेशन अपलोडिंग का हो ही नहीं रहा था।
तो यहाँ पर अब वह समस्या दूर हो जाएगी। उम्मीद है अतिथि शिक्षकों को थोड़ी राहत मिलेगी जो है भाग दौड़ कर रहे थे, लेकिन दूसरी ओर उनका नुकसान भी है क्योंकि स्कूलों पर जितनी जल्दी उनकी ज्वाइनिंग हो जाती उस ज्वाइनिंग के आधार पर उनका मानदेय बढ़ने लगता, लेकिन अब देर से ज्वाइनिंग होने के कारण उनका जो मानदेय है वह देर से जिस तारीख को ज्वाइन होंगे, अगर 17 तारीख से ज्वाइन होते हैं तो 17 तारीख से ही उनका मानदेय जनरेट होगा। मुझे उम्मीद है जानकारी बेहद इम्पोर्टेंट है, इसको शेयर जरूर कर देंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। धन्यवाद।